राजनीतिक सलाहकार एके मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एके मिश्रा जी, जिस तरीके से अभी रुझान आ रहे हैं, मतगणना शुरू ही हुआ है, क्या कुछ लग रहा है, कहां पर किसकी जीत हो सकती है? नहीं मैम, देखिए जीत यहाँ पे हार या जीत तो एक डिफरेंट चीज है, लेकिन जो सबसे बड़ा यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो रहा है वो बीजेपी को लगभग कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने से हर तरीके से बहुत मजबूती मिल रही है जी। बात हम सबसे पहले त्रिपुरा की करेंगे। 59 सीट्स पे अगर देखें तो बीजेपी और लेफ्ट के बीच बहुत कांटे की टक्कर चल रही है। 29 सीट्स लेफ्ट की और बीजेपी की लगभग 27 सीटें हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर बीजेपी थोड़ा सा 2-4 सीटों से भी पीछे रह गई तो ये कोशिश करेंगे कि ये सरकार बना लेंगे कि जैसे कि गोवा में। और उसका एक बड़ा नेचुरल सा रीजन है कि सेंटर में सरकार होने के कारण स्टेट लेवल के सरकारों को भी काफी मदद मिलती है। और यहाँ पे ये जो वोट का टर्नआउट हुआ है, शिफ्ट हुआ है त्रिपुरा में, उसका रीजन ये है कि देखिए लेफ्ट और बीजेपी दोनों कैडर बेस्ड पार्टी है। बीजेपी ने यहाँ पे अर्बन एरिया में अबकी बार फेर लगाई है। रूरल एरिया में हम मान सकते हैं कि चूंकि लेफ्ट भी कैडर बेस्ड है तो उनकी बॉन्डिंग वोटर्स के साथ ऐसे कंडीशंस में बहुत जबरदस्त होती है, चाहे बीजेपी हो। नागालैंड और मेघालय की अगर बात करें मैम, तो देखिए बीजेपी 19 सीटों पे है, कांग्रेस एक सीट पे ही आगे चल रही है और एनपीएफ जो है वो 20 है। तो 20 और 20 अगर देख लिया जाए तो आउट ऑफ 59-66 40 सीट तो ये बीजेपी और एनपीएफ की ही हो गई। तो डेफिनेटली ये दोनों मिलकर के वहां पे गवर्नमेंट बनाने के पोजिशन में होंगे। मेघालय में भी अगर देखें तो कांग्रेस को अगेन वहां पे लॉस हो रहा है, बीजेपी 5 सीट पे आ रही है, एनपीपी अभी तक 9 सीटों पे है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो निचोड़ ये है कि कांग्रेस की लॉस जो है वो बीजेपी के गेन में कन्वर्ट हो रहा है और साथ ही साथ लॉस लेफ्ट वगैरह को भी हुआ है त्रिपुरा वगैरह में। तो बीजेपी ने एक बहुत अच्छी सेध लगाई है नॉर्थ ईस्ट में, जहां पे कि इनका बिल्कुल भी बेस नहीं था जी। तो एके मिश्रा जी, यहाँ पर जो रुझान आ रहे हैं और जिस तरीके से बीजेपी कहीं ना कहीं मजबूती के साथ उभर कर आ रही है, क्या इसका श्रेय उन चुनाव प्रचार को दिया जा सकता है जो वहां पर जाके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के तमाम दिग्गजों ने किया था? नहीं मैम, देखिए मैं आपको बताऊं, नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी बिल्कुल भी नहीं थी। यहाँ पे सबसे पहला श्रेय जाएगा बीजेपी के ग्राउंड लेवल के जो वर्कर और आरएसएस है। देखिए मैंने आपको पहले ही बोला, जैसे त्रिपुरा में लेफ्ट वगैरह सीपीआई वगैरह मार्क्सवादी पार्टियों का भी देखेंगे तो ये कैडर बेस है। बीजेपी ने इस चीज को बहुत पहले इस चीज को एहसास किया कि जब तक हम ग्राउंड लेवल पे कैडर बेस होके काम नहीं करेंगे इनको हटाना मुश्किल है। तो बीजेपी ने नॉर्थ ईस्ट में या आरएसएस में कैडर को डेवलप करने के लिए रूरल एरिया में छोटे स्तर पे लगातार ये काम कर रही है, स्कूलों को खोलना, लोगों को मदद करना, सोशल वर्क। तो ये जो सोशल वर्क उन्होंने पिछले 5-10 सालों में किया है उसका ये आउटकम है कि बीजेपी के फुटप्रिंट जो है अब की बार नॉर्थ ईस्ट में बहुत ही जबरदस्त तरीके से ये दस्तक दे रहे हैं। तो इसमें प्रचार तो आपका महीने, 2 महीने, 3 महीने पहले होता है, उसका भी एक फाइनल इंपैक्ट होता है। लेकिन पास्ट में बीजेपी ने जो काम किए हैं रूरल और अर्बन एरिया में, ये वो चीजें जाकर के कन्वर्ट हो रही हैं, क्योंकि लेफ्ट वगैरह के गढ़ को, उनके कैडर को अपने कैडर में कन्वर्ट करना बहुत टिपिकल प्रोसेस है जी। बिल्कुल। और एके मिश्रा जी, यहाँ पर जो काम किया गया है वो जमीनी स्तर पर जो काम दिखा है उसके आधार पर ये नतीजे आप धीरे धीरे आ रहे हैं, लेकिन अगर बाकी पार्टियों की बात की जाए, कांग्रेस का क्या कुछ यहाँ पर समीकरण बनता नजर आ रहा है आपको? देखिए मैम, कांग्रेस एक ऐसे डायलेमा की कंडीशन में पहुंच गई है कि ये अपने आप को मैनेज ही नहीं कर पा रहे हैं। मतलब कि पीछे भी इनकी जो परफॉर्मेंस रही है वो उसको भी मैनेज कर ले, हर बार कोई ना कोई पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो, बीजेपी को अगर कहीं गेन होगा तो कहां से गेन होगा? जो पुरानी पार्टियां हैं गेन तो वहीं से होगा। तो जो कांग्रेस कमजोर हो रही है कहीं पर भी तो उसके वोट बैंक जो है वो इधर उधर जा रहे हैं और बीजेपी उन वोट बैंक को एंजॉय कर रही है। ऐसे ही लेफ्ट की जो आपकी बार कंडीशन त्रिपुरा में दिख रही है तो उनके वोट बैंक जो शिफ्ट हुए हैं, बीजेपी को इतनी बड़ा त्रास मिली है जहां बिल्कुल भी इनका मतलब एक तरीके से नामो निशान नहीं था, तो उनको अगर इतनी बड़ा या इतनी अच्छी परफॉर्मेंस मिल रही है तो कांग्रेस और लेफ्ट के ही ऐसे माइग्रेटेड वोटर्स हैं, फ्लक्चुएटिंग वोटर्स हैं जो शिफ्ट होते हैं। बहुत अच्छे तरीके से बीजेपी ने इस चीज को इनकैश किया, ग्राउंड लेवल पे काम किया, मुद्दे ऐसे बनाए कि उन्होंने लेफ्ट और कांग्रेस दोनों के जो शिफ्टिंग वोटर होते हैं एक मेजोरिटी में तोड़ करके अपनी तरफ जोड़ लिया है। बहुत शुक्रिया आपका हिंदी खबर से बातचीत के लिए।